भागलपुर के कहलगांव में NH-80 पर बाढ़ के कारण आवाजाही बंद हो गई है, जिसके कारण बंगाल और झारखंड से भागलपुर का संपर्क टूट गया है। पटना से भी भागलपुर का संपर्क टूट गया है। सुल्तानगंज अकबरनगर NH-80 पर करीब 2 किलोमीटर तक पानी बह रहा है। ऐसे में पटना से मुंगेर सुल्तानगंज के रास्ते भागलपुर जाना भी असंभव है। भागलपुर का जिला मुख्यालय टापू बनता जा रहा है। बता दें आपको, भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन पहले ही बंद है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर से कहलगांव तक NH-80 पर पानी का दबाव बढ़ने के बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड से भागलपुर का संपर्क भंग हो गया है और अब राजधानी पटना से भी भागलपुर का संपर्क तकरीबन टूट गया है। खासकर राजधानी पटना से मुंगेर सुल्तानगंज होते हुए जो लोग अब भागलपुर आना चाहेंगे वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि सुल्तानगंज से अकबरनगर तक तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूरी तक जो NH-80 है उस पर गंगा का पानी भरा आया है और आवाजाही जो है NH-80 पर वो बंद हो गई है। तो जिला मुख्यालय से 2 मुख्य सड़क जो NH है उसका संपर्क टूट गया है और अब मात्र भागलपुर आने के लिए लोगों के पास 2 ही विकल्प रह गए हैं। 2 ही रास्ते हैं, नवगछिया के रास्ते लोग भागलपुर आ सकेंगे, नहीं तो बांका जगदीशपुर होते हुए लोग जिला मुख्यालय पहुंच सकेंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में भागलपुर जिला मुख्यालय जो है वो टापू में अब धीरे धीरे तब्दील होता जा रहा है। पश्चिम बंगाल और झारखंड से संपर्क भंग होने के बाद अब राजधानी पटना से भी भागलपुर जिला मुख्यालय का संपर्क तकरीबन भंग हो चुका है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। पटना से सटे नकटा दियारा इलाके में आई भीषण बाढ़ के बाद जिला प्रशासन की मदद से सैकड़ों की संख्या में पशुओं को सुरक्षित स्थान पर लाया गया। दीघा घाट इलाके में प्रशासन की ओर से पशुओं के रहने के लिए शेड बनाया गया है। साथ ही पशुओं के चारे की भी व्यवस्था जो है की गई है, जिससे कि पशुपालकों को काफी राहत मिली है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। बाढ़ की विभीषिका में पशुधन की बड़ी पैमाने पर क्षति होती है। हालांकि पटना से सटे नकटा दियारा इलाका जो है वहां के लोग इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि वो भारी संख्या में अपने पशु को प्रशासन की मदद से बचा कर लाए हैं। और ये पशुधन की तस्वीर देखिए, एक बड़ा सा पंडाल जिला प्रशासन ने बनाया है जहाँ पर काफी संख्या में गाय भैंस सारे जो दुधारू पशु हैं उनको रहने का इंतजाम किया गया है और जिला प्रशासन ने उनके लिए चारे की भी व्यवस्था की है। और चारे की व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जो वैन है उसकी मदद से लाया गया है यहाँ पे, हम लोग को खाने के लिए भोजन दे रहा है, व्यवस्था है। हाँ, व्यवस्था है, जिला प्रशासन की व्यवस्था। हाँ, 5 किलो में कहा होगा, 1 ट्रम 5 किलो मिलता है तो मैं 2 ट्रम कैसे खाएगा। कितनी व्यवस्था आप चाहते हैं, कितनी व्यवस्था होनी चाहिए? अरे कम से कम एक माल पर 15 केजी चाहिए, सुबह शाम के दोनों टाइम के। आप लोग 15 किलो खिलाते हैं? हाँ, एक टाइम। हाँ, दाना नहीं हम लोग देते हैं, खाना ऐसा ही खाता है सुख ले, दाना रहता है कम खाता है, लेकिन दाना कहाँ मिलता है। थोड़ी व्यवस्था और जिला प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पशु चारा रखा भी हुआ है, कई लोग जो हैं अपने साथ लाए हैं, चारा की व्यवस्था अपने लेवल पर उन्होंने की है और जिला प्रशासन भी मुस्तैदी। काफ़ी संख्या में बोरियां आई हुई हैं, आप तस्वीरों में देखिए काफ़ी संख्या में बोरियां हैं। जिला प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगा हुआ है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18। पटना में बढ़ रहे बाढ़ के खतरे के बीच एक राहत की भी खबर है। जल संसाधन विभाग ने ताजा जानकारी के मुताबिक ये बताया कि गंगा के जलस्तर में यूपी से लेकर के बिहार तक में कमी आई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा कम हो रहा है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी के इलाहाबाद, वाराणसी, गाजीपुर, बक्सर, मनेर में जलस्तर घट रहा है। साथ ही पटना के दीघा घाट, गांधी घाट में भी जलस्तर घट गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज। पिछले 3-4 दिनों से गंगा के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन एक राहत वाली बात है कि गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो गई है। और जो जानकारी अभी मौसम विभाग से मिली है, जल संसाधन विभाग ने जो अभी आंकड़े जारी किया है, वो सबसे अच्छी बात है कि यूपी में जो इलाहाबाद बनारस और जो इलाहाबाद बनारस जैसे इलाके वहाँ पे गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी देखी जा रही है, फॉलिंग ट्रेंड है। पानी की है कि आने वाले 2-3 दिनों में बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे इलाके में अच्छी खासी बारिश हो सकती है, उसके बाद परिस्थितियाँ क्या होती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल एक अच्छी खबर कि गंगा के जलस्तर में धीरे धीरे कमी हो रही है। आनंद अमित राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना।
आरा में गंगा और सोन नदी रौद्र रूप दिखा रही है। कई गांव बाढ़ की चपेट में है। गांव का संपर्क टूटता जा रहा है। शाहपुर प्रखंड पूरी तरीके से जलमग्न है। दियारा क्षेत्र की लगभग सभी सड़कों पर पानी बढ़ गया है। आपको बता दें कि गंगा के पानी ने करनामेपुर थाना को अभी अपने आगोश में ले लिया है। करनामेपुर थाना के चारों तरफ पानी भर गया है। थाना टापू बन गया है। फिलहाल नाव ही आवागमन के लिए एकमात्र साधन है। कई पुलिसकर्मी कई दिनों से थाने में ही फंसे हैं। बेगूसराय में बछवारा प्रखंड से लेकर के साहेबपुर कमाल प्रखंड तक के लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जिले को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन और बिहार सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचा रही है, लेकिन जिस तरीके से किसानों को अपनी फसलों से हाथ धोना पड़ रहा है और उन्हें करोड़ों का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में बिहार सरकार को किसानों की परेशानी को देखते हुए उन्हें उचित मुआवजा देना चाहिए। मैं डीएम से कहूंगा कि आप रिपोर्ट में दें। मैं राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि इसको बाढ़ क्षेत्र घोषित करें। मैं यही प्रार्थना करता हूं, क्योंकि किसान पूरा तबाह और बर्बाद हो गया है। लाखों करोड़ की संपत्ति डूब करके किसानों को बर्बादी की राह पे ले आया है। हम लोग तो थोड़ा सा सहायता देते हैं, उसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, पूरा उनको मुआवजा देनी चाहिए। मुंगेर में बाढ़ के बाद भूख की मार झेल रहे लोगों के लिए जिला प्रशासन मदद का लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन बाढ़ पीड़ितों के बीच में सूखे राशन बांट रहा है। मुंगेर संग्रहालय के सभागार में कर्मी तीन शिफ्ट में काम करके फूड पैकेट जो है वो तैयार कर रहे हैं, जिसमें 2.5 किलो चूड़ा, आधा किलो चीनी, चना और गुड़ दी जा रही है। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बताया है कि जिले के 5 प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसमें अब तक 15,000 पॉलिथीन और 12,000 फूड पैकेट को स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस की निगरानी में बांटा जा चुका है। 15,000 से अधिक पॉलिथीन का वितरण कर दिया जा चुका है और इसी प्रकार से 12,000 से अधिक फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, विभिन्न अंचलों के लिए गाड़ियां लगी हुई हैं और सभी जगह पूरा लोडिंग का कार्य किया जा रहा है। सभी जगह पुलिस के सहयोग से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पॉलिथीन का एवं फूड पैकेट का वितरण कराया जा रहा है और हम लोग भी अभी फील्ड में निकल रहे हैं। माननीय विधायक जी भी अभी आए थे, सदर विधायक, तो सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है और सभी लोगों को राहत मिले इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। खबर पटना सिटी से है जहां पर बाढ़ के पानी में छोटे छोटे बच्चे स्नान कर रहे हैं और उनके अभिभावकों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या केवल प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया जाएगा या फिर अभिभावक भी इसके लिए जिम्मेदार है? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार। राजधानी पटना में बाढ़ का प्रकोप लगातार जारी है और इस बीच एक तस्वीर जो है वो चौंकाती है। यह पटना सिटी का इलाका है, कंगन घाट का इलाका है, जहां गंगा का पानी जो है वो चारों तरफ फैला हुआ। और देखिए एक तस्वीर है, काफी संख्या में जो बच्चे हैं वो बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं और निश्चित तौर पर ये एक लापरवाही भरी तस्वीर है और दिखाने का मकसद यही है कि जो इनके अभिभावक हैं वो समझें परिस्थितियों को। बाढ़ के पानी में अगर इस कदर बच्चे स्नान करेंगे और कोई हादसा होता है तो आखिरकार उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? बच्चे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर हमें चौंकाती है और दिखाने का भी मकसद यही है कि जो अभिभावक हैं वो समझें कि आखिर अगर इतने छोटे बच्चे स्नान करेंगे बाढ़ के पानी में, कोई हादसा हो जाए तो उसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आती हैं, प्रशासन को कसूरवार ठहराया जाता है। आपको प्रशासन आगाह कर सकता है, बता सकता है, लेकिन आपको खुद सचेत रहने की जरूरत है। तो ऐसे में अभिभावकों को ध्यान देना होगा अपने बच्चों पर। ऐसे इस तरीके से स्नान करने से कहीं ना कहीं वो हादसे के शिकार होंगे और फिर कई तरह के सवाल खड़े होंगे। राजधानी पटना में पानी हालांकि यहां पर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी भी पानी है, बच्चे स्नान कर रहे हैं, तो अनहोनी से इनकार नहीं किया सकता है। हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन परिस्थितियों को समझें, केवल प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी ये नहीं हो सकती है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना।
बिहार में दो बड़ी पार्टियां इन दिनों सदस्यता अभियान चला रही है, एक बीजेपी तो दूसरी आरजेडी। आरजेडी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत दिल्ली में लालू प्रसाद ने की तो पटना से तेजस्वी यादव ने। अब आरजेडी सदस्यता अभियान पर बीजेपी और जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं और अभियान को हवा हवाई करार दिया है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी मिस्ड कॉल वाली पार्टी नहीं है। इधर कांग्रेस भी आरजेडी के समर्थन में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो संगठन की पार्टी है, हमारे यहाँ संगठन जमीन पे है, पर राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ रूम के अंदर की पार्टी है, लालू और उनके परिवार की जेबी पार्टी। अब तो सदस्यता अभियान चला रहे हैं तो डंके की चोट पे चला रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, नंबर जारी किया है, पर राष्ट्रीय जनता दल का जो सदस्यता अभियान है वो कब शुरू हुआ, कब खत्म हो गया पता ही नहीं चल रहा है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राजभवन मार्च निकाला जाता है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता तो नजर आता है, लेकिन लालू परिवार का सदस्य, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, रोहिणी आचार्य हो, कोई नजर सड़क पर नहीं आती है। ठीक उसी प्रकार सदस्यता अभियान में भी उनके परिवार के कोई बच्चे नजर नहीं आते हैं, सिर्फ दिखावा के लिए राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। अब मिस्ड कॉल वाली पार्टी को क्या पता चला जब मिस्ड कॉल से जो मेंबर बनाते हैं, यहाँ तो साक्षात्कार होता है सामने। अब जदयू तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उस पर तो मैं कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संप्रदायवाद को जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है, बिहार की जनता तो नकार ही देगी ना, 1 करोड़ से ज्यादा तो लक्ष्य खाली बिहार में है जी। जब उन्होंने रियलिटी चेक किया तो पता चला जो क्लेम करते थे और जो एक्चुअल डेटा आया तो उसमें आसमान जमीन का फर्क निकला। तो जिसके जहन में ही फरेबी लिखा हो तो दूसरे के सदस्यता अभियान पे उंगली कैसे उठा सकते हैं? और रही बात आरजेडी की, तो आरजेडी अपने तरीके से सदस्यता कर रही है, इनको पेट में क्यों दर्द हो रहा है भाई। खबर सहरसा से है जहां पर सौर बाजार थाना की पुलिस की गुंडागर्दी का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। बता दें आपको, फुटेज में पुलिस दुकान पर बैठे युवक की बेरहमी से पिटाई करते हुए नजर आ रही है और जानकारी के मुताबिक सौर बाजार थाने के 2 सिपाही और पुलिस वाहन के ड्राइवर ने युवक की पिटाई की। घटना के बाद से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। पीड़ित युवक के परिजन ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है और दोषी सिपाही और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हम तो मोटर गुंड रहे थे, मोटर का काम कर रहे थे, पुलिस की गाड़ी रोड पे 10 कदम आगे चली गई और वहां से वापस आया पुलिस और हमको बेरहमी से पिटाई करने लगा। तो हमको ये पता नहीं चला कि हमको मारा क्यों, ये हमको अभी तक पता नहीं है, इसीलिए हम आपको बुलाए हैं सर। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि जो हमको बिना वजह का मारा है और इस बात का इंसाफ हो, न्याय मिले। दुकान है साइड में कपड़ा वाला, यहाँ पे आई थी पंखा ठीक करवाने के लिए, नहीं हम भी बैठे थे, डर से आए ना पुलिस का गाड़ी, थोड़ा 10 कदम आगे गए, उसके बाद फिर देख कर बागलपुर के भीखनपुर गुमटी नंबर 1 के पास मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इशाकचक थाना इलाके में हनुमान जी के मंदिर में बदमाशों ने तोड़फोड़ की। लोग जब सुबह मंदिर पहुंचे तो देखा बजरंग बली की मूर्ति टूटी हुई है, गेट के पास गदा रखा गया है। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग मंदिर के पास इकट्ठा हो गए। फिलहाल मौके पर मजिस्ट्रेट के साथ में कई थानों की पुलिस और दंगा नियंत्रण की टीम काम कर रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह। भागलपुर में भीखनपुर गुमटी नंबर 1 में आज सुबह बजरंग बली की प्रतिमा क्षतिग्रस्त देखी गई, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि यही बजरंग बली का प्रतिमा है, मंदिर है, और आज जब सुबह लोग यहां पर पूजा करने के लिए पहुंचे थे तो बजरंग बली की जो प्रतिमा है वो क्षतिग्रस्त देखी गई, जिसके बाद से इलाके के जो लोग हैं वो यहां पर एकत्रित हुए। घटना की सूचना मिलने के बाद जो पुलिस के वरीय अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। फिलहाल जो है यहां पर पुलिस कैंप कर रही है, कई थानों की पुलिस अभी मौके पर पहुंची हुई है और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। कब प्रतिमा को क्षतिग्रस्त देखा गया? सुबह में लगभग 5:30 बजे, रात में बंद करते हैं भैया अगर के, और उसमें यही खोलते हैं ताला, उसमें देखा गया कि जो है ये स्थिति में है। 5 बजे आए यहाँ पे, कुछ आदमी बैठा हुआ था, हम ताला खोलने के लिए आए थे तो वही सब बोला कि नहीं, यहाँ पे मंदिर का गदा टूटा हुआ क्षतिग्रस्त है। क्या कारण हो सकता है ये तो हमने कारण तो नहीं। चलिए फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए, ये गुमटी नंबर 1 की तस्वीर है और यही मंदिर है
जहां पर बजरंगबली की जो प्रतिमा है, आज सुबह जब लोग पूजा करने के लिए मंदिर पहुंचे थे तो बजरंगबली की जो प्रतिमा थी वो क्षतिग्रस्त देखा गया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल जो वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। अभी फिलहाल पुलिस मौके पर कैंप कर रही है, पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18।